हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सो बच्चों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि टॉपिक आज के विद्यार्थियों के लिए जो कि नीट 2020 ट्वेंटी एन जेई मीन्स के एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले उनके ऊपर बना हुआ है डाउट बना हुआ है कि क्या एग्ज़ाम छब्बीस जुलाई को कंडक्ट होगा या नहीं होगा तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या रीज़न हो सकते हैं बहुत बड़ी आप लोगों की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है वीडियो को पूरा देखिएगा कहीं पर भी कुछ भी मिस मत करिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इफ यू आर न्यू टू तो दिस चैनल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट आए तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अब बताते हैं सारी जानकारी सो so, बच्चों हम आपको जो नी 2020 ट्वेंटी एंड जे ई मेस की एग्ज़ाम 26 जुलाई और जो रिस्पेक्टिवली जे ई का एग्ज़ाम को डेट कंडक्ट होने वाला है उसके बारे में बात करें उससे पहले हम यहाँ पर एक एम्स के बारे में अपडेट दे देते हैं कि एम्स के जो पी के एडमिट कार्ड हैं जिन्होंने कोर्सेज़ के लिए नर्सिंग बी पोस्ट नर्सिंग डी एम इन सभी पोस्टों के लिए एम के लिए जो किया था अप्लाई उनके जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए एम्स की तरफ से तो वो अपने डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं नी ट्वेंटी एंड जेई मेन्स के बारे में तो बच्चों यहाँ पर हम आपको तुम आप लोगों के ही कमेंट्स दिखाने वाले हैं कि जितनी वीडियोस बनाओ बच्चों के जो कमेंट हैं वो इसी चीज़ से भरे होते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होना चाहिए तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80 परसेंट बच्चों के कमेंट यही होते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए लेकिन जिनकी तैयारी हो चुकी है वो यही चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होना चाहिए तो उनकी परसेंटेज काफ़ी कम होता है लेकिन ज़्यादातर कमेंट यही होते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए अब देखिए बच्चों ने साथ साथ में आप लोगों ने रीजनस भी पर दिए हुए हैं तो देखिए आप लोगों ने ही कमेंट कहा है कि सर मिनिस्टर अनाउंस एमएचआर बोर्ड एग्जाम से डेट्स शेड्यूल्ड बिटवीन सेवनटीन जुलाई एंड ऑगस्ट थर्टीन दीज डेट्स आर चेसिंग क्लैशिंग विद नीट एंड जे डेट्स इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टू डिफरेंट एग्जाम ऑन द सेम डेट सो हाउ कैन नीट एंड जे टेक प्लेस ऑन द मंथ ऑफ जुलाई प्लीज क्लैरिफाई दिस डाउट सो यहां पर बच्चों को बहुत बड़ा डाउट है कि एनआईओ एस का जो एग्जाम है वो भी जुलाई में कंडक्ट होने वाला है और जो इसकी डेट डेट्स वो नीट की और जो जे ई मेन्स की एग्ज़ाम उनकी डेट्स के डेट से क्लैश कर रहे हैं उनके आसपास से बच्चे कह रहे हैं कि हम कैसे फोकस कर पाएंगे अपने उन दो दो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में कैसे फोकस कर पाएंगे तो ये एक बड़ा कारण है स्टूडेंट जो कि डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होना चाहिए साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर और भी हम बच्चों के कमेंट दिखाते हैं अब देखिए यहाँ पर सेकंड कमेंट आया डॉक्टर मर्फी जी ने यहाँ पर कमेंट किया है कि सर यूपीएससी एग्ज़ाम हैज़ बीन पोस्टपोन टू अक्टूबर एंड मैनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड नीट एस एस इज ऑल्सो बीन पोस्टपोन टू द एंड ऑफ अक्टूबर बट हु कुड दे हाउ कुड दे कंडक्टिंग यू जी लेवल एग्जाम सच एज नीट यू जी एंड जेई माई सिस्टर इज गोइंग टू अपेयर फॉर नीट यू जी एंड आई एम वेरी वॉरिड अबाउट हर सिंस वी लिव इन चेन्नई डे बाई डे सिचुएशन इज गेटिंग वर्स सर गवर्मेंट शूड डेफिनेटली पोस्टपोन द यू जी लेवल एग्जाम्स तो यहाँ पर इन्होंने भी अपनी कंडीशन लिखी है कि जगह पर रहते हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन वहां पर हो रही है और जो आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और यूपीएससी का एग्जाम जो जुलाई अक्टूबर में कंडक्ट कर मई में, में होने वाला था तो कंडक्ट उसको पोस्टपोन करके अक्टूबर में कंडक्ट करने के लिए यूपीएससी का एग्जाम कर दिया गया है जो पी लेवल के एग्जाम्स काफ़ी सारे उनको भी पोस्टपोन यहाँ पर किया जा रहा है सो so बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर वाई दे आर कंडक्टिंग द यू लेवल एग्जाम्स एस सिचुएशन इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाई डे सो ये एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं हमें भी डर लग रहा है हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट भी यहाँ पर कर रहे हैं सो एस यू कैन सी ऑल द कमेंट्स आर फिल्ड विद द कमेंट्स लाइक एग्जाम शुड भी पोस्टपोन एग्जाम शुड भी पोस्टपोन सभी विद्यार्थी यही कमेंट करने की एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए इनके पीछे उनका डर है वो डरे होंगे उनको प्रिपेयर नहीं कर पा रहे होंगे चलो जिनकी प्रिपेरेशन हो गई उनकी बात तो अच्छी है देखिए हम यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो भी होगा तो वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा यू ऑल्सो नो दैट कि जो भी होगा वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होने वाला है किसी के कहने से नहीं होने वाला है कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऑलरेडी आपका जो एग्ज़ाम इतना पोस्ट हो चुका है इतना टाइम प्रिपरेशन के लिए भी सबको मिल चुका है एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो भी होगा एजुकेशन मिनिस्टर जी ने भी पहले कहा था कि जो भी होगा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा हालांकि हाला उन्होंने तैयारियाँ करी हुई इस चीज़ को लेकर के जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी करा हुआ है कि इतने दूर दूर बैठाएंगे सेंटर इंक्रीज़ कर दिए हैं एग्ज़ाम्स के करवाने के लिए तो तैयारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से करी हुई है लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर जी ने पहले भी कहा था हमने आपको बताया भी था कि उन्होंने कहा है कि टास्क फोर्स बनाई गई इस बारे में दे आर लुकिंग इन द सिचुएशन वी आर देयर लुकिंग फॉर द सिचुएशन वट एवर द सिचुएशन विल बी दे विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट और आप भी जानते हैं कि जो सिचुएशन होगी ऐसा तो नहीं होगा कि, कि किसी के साथ कुछ वो किया जाए वो सब देख सुन के ही आपके साथ करेंगे हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए यू शुड प्रिपेयर यूअर सेल्फ यू शुड प्रिपेयर यू रिवाइज योर चैप्टर आप अपने चैप्टर्स को रिवाइज करिए अपने को प्रिपेयर करिए जब भी एग्जाम होगा नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा अभी के लिए आपका एग्जाम जो है आप यही मान लीजिए कि छब्बीस जुलाई आपका एग्जाम होने ही वाला है डेट्स अभी रिलीज करी गई हैं बाकी अगर पोस्टपोन होगा तो वो आपको पता ही लग ही जाएगा नहीं होगा तो भी आपको पता लग जाएगा बाकी आप क्या चाहते हैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा हमने आपको एक छोटे से पॉइंट बताए आप लोगों के ही जो आप लोगों ने नीचे कमेंट किए थे थोड़े बहुत आपके डाउट्स थे वो हमने सोल्व किए थे बाकी इफ़ यू आस्कदर इट विल बी पोस्टपोन और तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन सिचुएशन वेदर इट विल बी और नॉट ये situation पे डिपेंड करता करता है है जो भी सिचुएशन होगी उस पे डिपेंड करता है, कोई गेस करे इसको कि होगा या नहीं होगा तो ये काफी डिफिकल्ट होगा और हम तो अपनी तरफ से ओपिनियन भी नहीं इस चीज पर रख सकते हैं, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप लोगों ने ही कमेंट करके यहाँ पर रीजन दिए हैं कि इस चीज से यहां आपको दिक्कत हो रही है तो बाकी जो भी होगा आप लोगों के सामने आ जाएगा बाकी छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी थी एग्जाम आपका छब्बीस जुलाई के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करिए अपने आप आपको अच्छित रखिए तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद